भागलपुर में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। जिले में 50 केंद्रों पर 39,782 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा दो पालियों में हो रही है। पहली पाली का समय 9:30 से 12:45 और दूसरी पाली का समय 2:00 से 5:15 सुनिश्चित किया गया है। गुरुवार को पहली पाली में बायोलॉजी और दर्शन शास्त्र तथा दूसरी पाली में आर्ट्स व कॉमर्स के लिए अर्थशास्त्र की परीक्षा हुई। परीक्षार्थियों ने अपने केंद्रों पर आधा घंटा पहले ही पहुंचना शुरू कर दिया, जबकि विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को ड्यूटी में तैनात अधिकारियों द्वारा रोक दिया गया। बता दें कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए जिला शिक्षा विभाग भागलपुर इकाई ने परीक्षा केंद्रों पर 1987 वीक्षकों की ड्यूटी लगाई है। वहीं भागलपुर में मोक्षदा गर्ल्स इंटर स्कूल, मालवाड़ी पाठशाला, झुंझुनवाला आदर्श हाई स्कूल समेत कहलगांव में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर भी छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई। जिले में बने चारों आदर्श परीक्षा केंद्रों पर केंद्राधीक्षकों से लेकर वीक्षक तक सभी महिलाएं हैं। बहुत अच्छी तैयारी है और एग्जाम बताएगा कि कितना बढ़िया से हम परफॉर्म कर रहे हैं क्या नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से ये नहीं होता कि एग्ज़ाम अच्छा ही चला जाएगा, और जितना पढ़े वो एग्ज़ाम में आ गया और एग्ज़ाम बेस्ट गया, मेरे ख्याल से वही बहुत अच्छी बात। हम लोगों के लिए इतने अच्छी तरीके से सजाया गया है, हम लोगों के स्वागत में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग का सेंटर जहाँ पे पड़ा है इतने अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है हम लोग का। सूबे में आज इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के आने का समय पहले ही निर्धारित कर दिया गया था, पर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी विलंब से पहुंचे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 9:00 के बाद आए छात्र छात्राओं को केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद भागलपुर के कई परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं ने जमकर हुड़दंग मचाया। भागलपुर के आदर्श परीक्षा केंद्र, मालवाड़ी पाठशाला और क्राइस्ट चर्च गवर्नमेंट हाई स्कूल में छात्राओं ने चार दीवारी फांद कर अंदर प्रवेश किया। इस दौरान जब उन्हें ऐसा करने से रोका गया तो विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र पर जमकर पथराव किया गया। इधर हंगामा की सूचना मिलते ही CTSP मिस्टर राज परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और वहां तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस के जवानों को कदाचार मुक्त परीक्षा कराने का निर्देश दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार का अंतरिम बजट गुरुवार को पेश किया, जिसके बाद लोगों के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी गई। किसी ने इस बजट को देश और अर्थव्यवस्था के हित में बताया तो किसी ने इसे पूरी तरह से देश और आम जनता के हित की अनदेखी करने की बात कही। वहीं भागलपुर में ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किए गए बजट को लाइव स्क्रीन पर देखने की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यवसायियों ने बजट की सराहना करते हुए देश के विकास में सहयोगी और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट करार दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं भी की। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और वंदे भारत की तर्ज पर कोच तैयार करने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की बात कही गई है। इधर भागलपुर में बजट पर चर्चा के दौरान व्यवसायियों ने समीक्षा करते हुए 2024 के अंतरिम बजट को लोक लुभावन की जगह देश की अर्थव्यवस्था और विकास कार्य को मजबूत करने वाला बजट बताया। लोगों का कहना है कि यह बजट गरीब तबके का ध्यान भी अच्छे से रख रही है। बजट था तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे कोई उम्मीद नहीं थी, चूँकि अभी तो ये चुनाव का समय है। जो बजट आया कुल मिलाकर के सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ वित्त मंत्री जी ने करने का प्रयास किया है। स्वास्थ्य पर उनका ध्यान है, शिक्षा पर भी ध्यान है, पर्यटन विकास के लिए उन्होंने काफ़ी जोर दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए वो काफ़ी ध्यान दे रही हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ये सब चीज़ पर काफ़ी ध्यान है, जो कि आगे आने वाले समय में उसका काफ़ी लाभ देश को मिलेगा। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में DSP डॉक्टर गौरव कुमार के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रियरंजन ने की। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवियों एवं स्कूली बच्चों के द्वारा DSP डॉक्टर गौरव कुमार को बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं समारोह में मौजूद अतिथियों ने DSP डॉक्टर गौरव कुमार के कार्यकाल की जमकर सराहना की। बता दें कि DSP डॉक्टर गौरव कुमार का कार्यकाल काफी प्रगतिशील रहा। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए डॉक्टर गौरव कुमार ने पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप का बखूबी ख्याल रखा। रात की घोर सन्नाटा हो
या जमा देने वाली ठंड में घना कोहरा। डॉक्टर गौरव कुमार अपनी ड्यूटी पर हर वक्त तैनात रहे। बालू माफियाओं के बीच तो डीएसपी का अलग ही खौफ था। जिले में पहली बार बालू का अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर इस प्रकार से नकेल कसा गया था। इसके अलावा वो कई कुख्यात अपराधियों को पकड़ने में भी कामयाब हुए, जबकि कईयों ने तो डॉक्टर गौरव कुमार के डर से शहर ही छोड़ दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी महाराज, कार्यपालक पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र यादव, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, मुरारका महाविद्यालय के प्राचार्य अमरकांत सिंह समेत मौके पर मौजूद सभी अतिथि एवं पुलिसकर्मियों ने डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को बिहार एसटीएफ का डीएसपी बनने पर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। वो सुल्तानगंज से स्टार्ट हुआ, मुझे याद है कि मार्च 2021 के समय मैं यहाँ पे आया था और पहला मेरा जो थानेदारी था एज एन एस एच ओ वो सुल्तानगंज से स्टार्ट हुआ। तो उत्तर वाहिनी गंगा के लिए जो है सुल्तानगंज जाना जाता है और हमारे लिटरेचर में और शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो गंगा माता हैं जैसे ही वो उत्तर होती है, मतलब अपने उद्गम स्थल जहाँ से उत्पत्ति होती है, जैसे मूर्ति हैं गंगा माता तो उनकी पूजा होती है, उसी तरीके से सुल्तानगंज मेरे लिए एक उत्पत्ति स्थल है मेरे पुलिसिंग के लिए और मैं सुल्तानगंज को प्रणाम करता हूँ। इसीलिए आज मैं सुल्तानगंज आया और ये बहुत ज़रूरी भी था कि यहाँ के लोगों से मैं मुखातिब हूँ और यहाँ के लोग जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला। तो इस विश्वास को, प्यार को, मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए आज मैं यहाँ पर आया और यहाँ के पुलिसिंग के कारण ही मैं कजरेली में पुलिसिंग कर पाया, यहाँ के लोग के सपोर्ट के कारण ही मैं फिर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी मैंने अच्छा काम कर पाया और यहाँ पे अजगैबीनाथ की कृपा है कि मैं ये सब कर पाया। ये भूमि जो है पावन है, तो यहाँ पे आके आज मैं बहुत भावुक हूँ और मैं चाहता हूँ कि जितने सुल्तानगंज के मेरे परिवार हैं जहाँ पे भी मैं रहूँ वो मेरे से टच में रहें, मेरे से मिलने आए और जब भी मैं यहाँ से गुजरूँगा इस पावन धरती से तो हमारी जो जनता है उनसे मैं मिलता रहूँगा, जो मेरा परिवार है मैं उनसे मिलता रहूँगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के सुल्तानगंज में गुरुवार को राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम की अध्यक्षता में उनके आवास पर राजद कार्यकर्ताओं के बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 5 फरवरी को बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार के खिलाफ विशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करने पर विचार किया गया। इस दौरान वक्ताओं द्वारा राजद के सभी कार्यकर्ताओं से 5 फरवरी को विशाल जुलूस में शामिल होने की अपील की गई। मौके पर राजद नेता नट बिहारी मंडल, विभूति यादव, विनोद रजक समेत राजद के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के जगदीशपुर थाना में पदस्थापित थानाध्यक्ष रंजीत कुमार का तबादला बांका जिला होने पर गुरुवार को थाना के सभी कर्मी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा फूल माला पहना कर सम्मान पूर्वक उन्हें विदाई दी गई। जगदीशपुर थाना में अपने 2 महीने के लघु कार्यकाल के दौरान इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया। थाना के सभी पुलिसकर्मी एवं आम जनता उनसे संतुष्ट रहे। मौके पर जगदीशपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम मंडल, पंकज कुमार, सुजीत मंडल समेत थाना के अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के अंगारी गांव में हो रहे 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा
ज्ञान यज्ञ को लेकर आयोजक महंत नवल गुरु एवं ग्रामीण के सहयोग से गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। जगदीशपुर स्थित जगदीश्वर नाथ महादेव मंदिर के चंद्रकोप से 501 महिलाओं एवं युवतियों द्वारा जल भरकर भवानीपुर अंगारी मोड़ होते हुए कलश शोभा यात्रा कथा स्थल तक पहुंची। शोभा यात्रा के दौरान गाजे बाजे एवं डीजे के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थिरकते नजर आए। बता दें कि मथुरा से आए कथावाचक परम पूज्य संत श्री मोहन दास जी महाराज द्वारा 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक श्रीमद भागवत कथा आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा में मुकेश पंजियारा, बबलू यादव, करण सिंह, राजा कुमार समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।